आज हम लोग आ गए हैं जंगल में, और आज हम आपको बताएंगे जंगल में किस टाइप के पेड़ होते हैं। हमारे आसपास एक जंगल है, बहुत प्यारा सा जंगल है जो आप देख रहे हैं, कितने प्यारे से पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है ना। और हम लोग अब जा रहे हैं जंगल, आ जाओ, ठीक है ना। देखिए सामने जी हमारा जंगल है, हम आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे जंगल में कैसे पेड़ वगैरह के बारे में। आगे के चलो, ठीक है, देख रहे हैं बहुत खूबसूरत जंगल है हमारा। यहाँ पे पास में ही है, ये छोटा सा पेड़ लगा हुआ है, दिख रहा है, ये चिरौल का पेड़ है, इसको चिरौल का पेड़ बोलते हैं, ठीक है ना। और ये देखिए ये बड़े पत्तों वाला जो पेड़ लगा हुआ है, ये छोले का पेड़ है। इसमें इससे पहले हम लोग पत्तल वगैरह बनाते थे खाने के लिए, शादियों के लिए। अभी पता नहीं किस पत्ते की पत्तल आती हैं, अब तो थर्माकोल के आने लगी तो बंदी हो गई। देखिए इतना छोटा सा प्यारा सा पहाड़ है आपको दिखा रहे हैं। आज धूप भी है बहुत ज़्यादा, फिर भी हम लोग आए, आज हमने कि चलो आज धूप में मनाते हैं। यहाँ पर जी जो जंगल है ना, ये आर्मी का जंगल है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर अभी आपने देखा होगा कि मोस्टली जंगल कट रहे हैं, जो नॉर्मल जंगल होते हैं लोग काट देते हैं लकड़ी के लिए, अपने यूज़ के लिए, ज़मीन के लिए। बड़े जंगल अभी हमारा स्टेबल है, तो इसके कारण है आर्मी की वजह से स्टेबल है आर्मी, ठीक है ना। ये देखिए हम लोग ऊपर आ गए, छोटा वाला पहाड़ है, इस पर आ गए। ये जंगल हमारा कितना प्यारा है, इस साइड बसी का थे जंगल है हमारा। वो वाला पहाड़ जो देख रहे हैं आप, उसी का हिस्सा है। अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो आपको उसके बारे में बताएंगे, उस पर जाएंगे ऊपर तो बताएंगे। बहुत प्यारा है जंगल। इस साइड देखिए, ये हमारी रेलवे लाइन है, वहाँ पे दूर मुंबई लाइन करके है, मुंबई लाइन। वही जंगल है हमारा, आर्मी का जंगल है सारा का सारा। पेड़ देख रहे हैं आप, छोटा सा पेड़ देख रहे हैं, छोटा सा दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं करधई का पेड़, बोलते हैं करधई का पेड़। इस ये पेड़ की जो लकड़ी होती है वो ठोस होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लगी है अक्सर ये पहाड़ी क्षेत्र, मतलब पत्थरों इलाकों में पाई जाती है। पत्थर आप जानते हैं मजबूत होता है, तो इसका मतलब ये जो लकड़ी है, लकड़ी भी इसकी मजबूत रहेगी, ठीक है। ये देखिए निकल जा रहे हैं नीचे उतर के, दूसरी जगह पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये इसका पूरा ब्राइटनेस खुला गया तभी तो। ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, ये जो लगा हुआ है, इसको बोलते हैं रेवंजे का पेड़, बमूरा का करके है, रेवंजा करके बोलते हैं। इसमें कांटा बहुत धाकड़ होता है, धांसू कांटा होता है, चुपता तो बुरा चुपता है, मगर इसकी पत्ती वगैरह बकरियां खाती हैं, ठीक है। ये भी वही जो पेड़ दिख रहा है आपको, ये भी सेम वही पेड़ है। यहाँ पे ज़्यादातर आपको कांटे वाले पेड़ मिलेंगे, कांटे वगैरह वाले पेड़ ज़्यादातर मिलेंगे। ये छोला लगा हुआ है, मैंने नहीं बताया था। ये देखिए इतना खूबसूरत नज़ारा है हमारे जंगल का, वो मतलब ठीक है, नॉर्मल जंगल है, हमारे सिटी के पास में ही जंगल है। अगर आपको कभी शूट वगैरह करनी हो यहाँ पे तो कर सकते हैं आप, ठीक है। आर्मी वालों से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी पहले, क्योंकि वो इतनी के अंडर में आता है शूटिंग के लिए। बढ़िया मस्त एरिया है यहाँ पे आपके लिए। ये वही पेड़ लगे हुए जो मैंने आपको बताए थे, इनको बोलते हैं करदई का पेड़, बहुत ठोस लकड़ी होती है इसकी, जैसा कि आप देख रहे हैं।
ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, ये जो पेड़ है ना, इसको बोलते हैं खैर का। जो आप लोगों ने गाद के बारे में नाम सुना होगा, जो बच्चे जब होते हैं तो उसमें हम लोग जो गुड़ वगैरह खाते में डालते हैं, उसी में निकलती है वो गाद, ठीक है ना, खाई जाती है गाद। इसको बोलते हैं खैर का पेड़। ये छोटे छोटे पेड़ देख रहे हैं आप, ये पेड़ है तुम्हारे गुलटेना करके इनको बोला जाता है। छोटे छोटे पहाड़ हैं, तो सामने थोड़ा मतलब बड़ा पहाड़ है, लेकिन मतलब हमारे एरिया के हिसाब से बड़ा ही है। आपके मनाली या जम्मू कश्मीर से तो छोटा ही रहेगा। ये देखिए, चले चले आ रहे हैं हम लोग। ये पेड़ है करौंदे का पेड़ है। करौंदा आप जानते हैं, खाते हैं, अचार डालते हैं, लेकिन ये जंगली करौंदा है। इसका जो करौंदा लगता है इसमें फल, वो छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है, ठीक है। अब बारिश होगी तो हम आपको कभी लेके आएंगे फिर से जंगल में, दिखाएंगे यहाँ पे कुछ बारिश में कुछ पेड़ लगते हैं जो मतलब बारिश के टाइम पे, जैसे कि आपने सुना होगा ककोरा करके होते हैं ना, एक सब्जी के टाइप की चीज़ होती है वो, और भी चीज़ होते हैं क्या हम लोग खा सकते हैं जंगल में, मतलब पेड़ों से हम लोग क्या चीज़ खा सकते हैं। अभी तो ऐसे कोई पेड़ नहीं है जहाँ पे कुछ फल लगाओ खाने लायक, कुछ नहीं है। यहाँ पे एक मंदिर है प्यारा सा छोटा सा, इसको ठाकुर बाबा का मंदिर बोला जाता है। ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं चरौल का पेड़। इसको ये इसका जो पेड़ है ना, इसकी छाल होती है, मतलब स्किन को निकाल के हम रस्सी बना सकते हैं, लकड़ी बांधने के लिए वगैरह वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। और इसकी जो पत्ती होती है वो हार्ड होती है। अगर आपको खुजली वगैरह है, जैसे कि उसको बोला जाता है दाद वगैरह, इसका पत्ती को घिसने से क्या होती है, वो सही हो जाती है, मर जाती है, जल जाती है। तो हार्ड इसकी जो पत्ती होती है वो बड़ी हार्ड होती है, ठीक है। एक्चुअली सामने से धूप आ रही है ना, इसलिए काला काला दिख रहा है। ये वही पेड़ है खैर वाला, मैंने बताया था। यहाँ पर बकरी वगैरह चरने के लिए आती हैं। हम लोग मंदिर पहुंचने वाले हैं। ये ठाकुर बाबा का मंदिर है, यहाँ पे छोटा सा प्यारा मंदिर है, और यहाँ पे छोले के पेड़ के नीचे ठाकुर बाबा का मंदिर है। यहाँ पे पानी भी है, आप पानी भी देख सकते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये जो मंदिर है ना, ये ठाकुर बाबा का मंदिर है। यहाँ पे लोग पूजा करने आते हैं, ठीक है। और बड़ा प्यारा सा, बहुत पुराना सा मंदिर है, लोग यहाँ पे अक्सर आते हैं, ठीक है। ये जंगल है हमारा। एक और मंदिर है यहाँ पे, खादी बाबा का मंदिर है, वहाँ जा रहे हैं हम लोग। देख रहे हैं आप, सारे पेड़ कांटे वाले हैं, देख के गाड़ी चलाना पड़ती है हम लोग को। यहाँ पे बमूरा का है, कोई दक्खनी बमूरा है, अलग अलग टाइप के कांटे वाले पेड़ हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए गाय चर रही है, अकेली है। इस जंगल में जानवर भी हैं जंगली, जैसे कि रोज इन द सेंस जेब्रा करके, बट वो धारी वाले नहीं हैं, दूसरे वाले हैं, ठीक है ना। देखिए लोमड़ी वगैरह हैं यहाँ पर, लेकिन उनके अलग अलग नाम है ना, सियार वगैरह होते हैं, वो वाले नाम हैं। वैसे भाई लोमड़ी नहीं है, जो आप लोग बुक्स वगैरह में देखते हैं, दूसरी लोमड़ी हैं, ठीक है। ये देखिए आप कितने मस्त, हम लोग जंगल आए तो मौसम बदल गया। ये देखिए, ये हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे दो पेड़ लगे, देखिए ये गाय देखो, हम आपको दिखाते हैं। ये पेड़ डला हुआ है ना सूखा, ये आपका कैंत का पेड़ है, और आपको ये दिख रहे हैं ये वाले पेड़, काला काला दिख रहा है, ये पेड़ दिख रहा है, कैंप का है, इसका अचार डलता है, फल है ये, ठीक है। और देखिए ये गाय चल रही है यहाँ पे, पकड़ो। ये देखिए कितना अच्छा लोकेशन है, एरिया है। आप कभी स्टूडेंट करने आ रहे हैं मूवी वगैरह की, तो जंगल में आ सकते, कोई रोक टोक नहीं है, बट आपको आर्मी वालों से इन्फॉर्म करना होगा, पूछना होगा। ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, जो इसको बोलते हैं बरिया का पेड़, बरिया का पेड़ है ये,
ठीक है, ये कम से कम बहुत पुराना पेड़ है, हम नहीं बता सकते 100 साल है 200 साल है, लेकिन बरिया का पेड़ है ये। ठीक है, यहाँ पे एक और मंदिर है, उसी मंदिर हम लोग पहुँचने वाले हैं, खादी बाबा का मंदिर। वो ठाकुर बाबा का था, ये खादी बाबा का मंदिर है, ये खादी बाबा का मंदिर हम लोग पहुँचने वाले हैं। यहाँ थोड़ा देख सूझ बूझ के लाना, कांटे हैं यहाँ पे। ये आपका मंदिर आ गया, हम लोग पहुंच गए मंदिर पे। ये खादी बाबा का मंदिर है, खादी बाबा का मंदिर है ये। ठीक है, यहाँ पे दाढ़ी पकड़ो, ये खादी बाबा का मंदिर है, देख रहे हैं आप, खादी बाबा का मंदिर है। जो घर है ना, ये एक्चुअली यहाँ पे गौशाला थी आर्य वालों की, तो इस घर का मतलब इसमें मोटर वगैरह रखी रहती पानी के लिए, कुआ है ना यहाँ पे, इस वजह से मोटर वगैरह रखी रहती है। बट अभी बंद हो गई गौशाला, मतलब जो गाय वगैरह होती है ना उनका, यहाँ पे इधर इस साइड जो देख रहे हैं अब दिख नहीं रहा है, जो घने पेड़ है यहाँ पे गौशाला थी, गाय थी, यहाँ पे यहाँ से शिफ्ट हो गई और कहीं चली गई है। ठीक है, ये हमारा बढ़िया प्यारा सा लोकेशन है, ये देखो ये लगा हुआ है, पीपल का वृक्ष है। ठीक है, अब पता नहीं काली आ रही कैसी आ रही, ये खादी बाबा का मंदिर है, ये देखिए खादी बाबा का मंदिर है। नीम का पेड़ लगा हुआ है, लाइट भी है यहाँ पे, लाइट भी आपको देखने को दिख जाएगी, प्यारा जंगल है। हमारी टीम है, टीम के दो बंदे साथ में हैं, आप हमें वायरल करिए, फिर आपको जाने कहाँ कहाँ जाके दिखाएंगे, इंडिया हर एक चीज़ दिखाएंगे। ये पानी देख रहे हैं आप, एक्चुअली ये नाला टाइप का पानी है, ये राजगढ़ वगैरह से आ रहा है। ठीक है, राजगढ़ से आ रहा है, उधर पे चले साइड। ये पानी है, कुआ है, काफी टाइम से यूज नहीं हुआ, पानी तो गंदा सा हो गया, इसको बावरी बोला जाता है। बावरी मतलब ये बहुत गहरा होता है, नीचे चला जाएगा तो राउंड राउंड चला जाएगा। बावरी का मतलब ये होता है कि अगर इसमें आप जाएंगे नीचे तो ये छोटा 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 होता चला जाएगा, पतला सा राउंड राउंड करके, भॉय टाइप की होती है ना वो पानी में आती है, जो राउंड राउंड ऐसी टाइप की होती है बावरी, अंदर से एकदम गहरी, सीधी सीधी गहरी नहीं होती है, बहुत गहरी होती है, राउंड राउंड करके होती है। तो दूसरी लोकेशन पे लेके चलते हैं, बड़ा प्यारा है हमारा जंगल। ये बारिश का मौसम अभी स्टार्ट हुआ है ना, अभी देखना आप उस समय बारिश होने तो फिर कितना घना हो जाएगा। चिड़िया पंछी सब कुछ चहचहाएगा, ये देख रहे हैं आप इतना घने पेड़ लगे हुए हैं। अपन को, हम लोग को जरूरत है पेड़ों की, ताकि ऑक्सीजन बची रहे। ये भी कुआ है साइड में, हाँ काफ़ी गहरा है, सारे गहरे हैं, भैंसें वगैरह चल रही हैं, गाय भी चल रही हैं साथ में। ये जो देख रहे हैं पहाड़ साइड में, वही पहाड़ है जो हमने वहाँ से दिखाया था आपको, उसका साइड वाला एरिया लोकेशन है, साइड वाली लोकेशन है, पूरा दिखाते चलना है लोकेशन। ठीक है, सफ़ेद वाले पेड़ दिख रहे हैं आपको, ये इसको बोलते हैं लिप्टिस का पेड़, सफेद लिप्टिस का पेड़, झंडुआ मंदी, सच है मंदी। ये देखो लिप्टिस के पेड़ है, वाइट वाइट दिख रहे हैं आपको, ये सांड साहब हैं, ये कह रहा तुम रुको हम निकलेंगे,
ये देखो पेड़, इस पेड़ को देखो क्या हो गया, खुजली टाइप की हो गई। ये देखो उसके अंदर गहरा है, कहाँ गहरा देखा था हमने, उस पेड़ में गेवरा था, गोए नहीं थे गेवरा था, गेवरा जिसमें खापड़ा इसको बोलते हैं। ये नीम के पेड़ लगे हुए हैं बाहर की बात। फाइनली अभी ये जंगल ख़त्म होने वाला है। ये पहाड़ दिखाओ, जंगल, ये पहाड़ का पिछवाड़ा है, साइड वाला पिछवाड़ा है, और ये आप घर देख रहे हैं सामने, ये राजगढ़ है, ये आपका राजगढ़ है। हम लोग राजगढ़ जंगल के रास्ते राजगढ़ पहुंच गए कुल मिला के। देखो ये देखिए आपने, ये पूरा हमारा वहाँ से घूम के आते हुए पूरा जंगल दिखाया, ठीक है। ये सारा जंगल है, ये कोई पहाड़ है उसका साइड पिछवाड़ा है, साइड वाला पिछवाड़ा, ठीक है ना, पहाड़ है। हम बच्चे भी यहाँ पे खेल रहे हैं, बट आपको कैमरे में नहीं दिखेंगे। वो एक्चुअली नीम की निगोरी होती है ना, नीम की निगोरी का बीन रहे वो लोग, उससे क्या होता है कि लोगों को बेचते हैं वो, उसका ऑयल निकलता है नीम की निगोरी वगैरह का, ठीक है। और बस आपको दूसरी लोकेशन हम दिखाते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।